तो उसको पास में मत बैठा करो, उससे थोड़ी सी अलग वगैरह बैठा। सब जाते हैं ना, ये तो चक्कर। शास्त्र में बता चार आश्चर्य है और पंचमा आश्चर्य क्या जानते हो? दो माताएं बैठ लेकिन बात नहीं कर रही है, ये बड़ा आश्चर्य। बात करेंगे इसलिए कोई बात मत करो, ठीक है ना? थोड़ी समय के लिए एकदम जीव में गांठ लगा दो, ठीक। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते चंद्रमा, कहते हमारे जीवन का ताप को, दुख को दूर करता है चंद्रमा, जितने ताप जीवन में। लेकिन कहते जो सत्संग है, भगवान जो कथा है ना, ये भी जीवन का सारे दुख को, ये सत्संग सारे दुख को सत्संग हरण कर लेता है, है? सत्संग में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति सत्संग में। इसलिए कहते हैं जो कल्प वृक्ष, कहते हमारे सारे दुख को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष हमारी दरिद्रता को दूर कर देती है, ये कल्प वृक्ष है। लेकिन कहते जो सत्संग में ये तीन चीज हो जाती है, पाप नष्ट हो जाती है, है? और जीवन का जो ताप है, कष्ट है, वो भी नष्ट हो जाता है, और जीवन में जितने दंड दुख दरिद्र ये भी खत्म हो जाती है। देखो एक समय श्री नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, भगवान को पास में। कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? किसको पास में? भगवान नारायण को पास में। बोले प्रभु सब शास्त्र में कहते सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का क्या फल है? क्यों सत्संग इतना महिमा? भगवान का एक काम करो, जंगल में अमुक स्थान में चले जाओ, देखना अगर गिरगिट है वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। नारद जी बोले भैया गिरगिट क्या उत्तर देगा? बोले ठाकुर का आदेश है, चलो। सचमुच से उस जंगल में पहुंचे, वहां पर देखा सचमुच से गिरगिट है। बोले भैया ठाकुर जी तेरे पास में भेजे सत्संग की महिमा बताने के लिए, अब देना गिरगिट ना, ऐसे श्री गिरला था। जब उसने बोला भैया बताओ सत्संग क्या महिमा, बोले बताओ ना ठाकुर जी तेरे पास में भेजा सत्संग की महिमा जानने के लिए, ऐसे ऐसे क्या तो दो तीन बार बोला ना, गिरगिट वहीं पर मरकर गिर पड़ा। बोले भैया ये क्या हुआ, मैं तो सत्संग की महिमा जानने के लिए आया था और ये तो तीन बार पूछते, ये तो राम नाम सत्य हो गया। वो वापस आया, बोले ठाकुर जी वहां पर सत्संग की महिमा आपने बताया, वहां जाओ, दो तीन बार पूछा तो सर तो ऐसे हिलाए, बोले राम नाम सत्य हो गई। बोले एक काम करो, जंगल में अमुक स्थान पर जाओ, एक तोता बैठा हुआ देखो, वो तोता तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। वहां पर पहुंचे, देखा सचमुच से वहां पर के तोता, तोता को फिर प्रश्न किया, बोले ठाकुर जी तुम्हारे पास में भेजे सत्संग की महिमा को बताने के लिए, बताओ। वो भी ऐसे सर हिलाया, बोले बताओ ना सर क्या हिला रहे हो। वो भी तीन बार पूछा तो तोता भी मर कर गिर गया। बोले भैया ये क्या, भगवान मेरे से दो दो जानवर मरवा डाले। वापस आए, बोले ठाकुर जी कहाँ कहाँ भेज रहे हो, जहां जाता हूँ जो प्राणी की अपने हत्या कर दिया मेरे से। बोले बताओ सत्संग की महिमा कौन बताएगा। बोले बोले काम करो, अमुक जगह में जाना, एक गैया ने बछड़ा जन्म दिया, वो बछड़ा तुम्हें सत्संग की महिमा बताया। सचमुच से वहां पर गया तो देखा एकदम गैया एकदम नया बछड़ा जन्म दिया। बछड़े को पूछा भैया ठाकुर जी ने भेजा आपके पास में सत्संग की महिमा को जानने के लिए, बताओ। वहां भी एक बार दो बार जब तीन बार पूछा उसको भी राम राम सत्य हो गया। बोले भैया ये क्या बात है, ठाकुर जी हमसे जब मरवा रहे हैं, हमें पूछा सत्संग की महिमा बताओ, और तीन तीन प्राणी मेरे द्वारा हत्या कर दिया। वापस आ गए, बोले ठाकुर जी क्या कर रहे हो, मैं आपको पूछा सत्संग की महिमा बताओ, अब तो मेरे से तीन प्राणी अब तो मरवा डाले आपने। बोले ठाकुर जी बताओ सत्संग की क्या महिमा। बोले एक काम करो, तुम अमुक जगह में जाओ, देखना राजा का घर में एक बेटा जन्म हुआ, वही बेटा तुम्हें सत्संग की महिमा बताए। बोले हे भगवान तीन तीन प्राणी मरवा दिए, बोले अगर राजा को बेटा अगर मर गया ना, वह तो सीधा जेल में डाल देंगे, है? अभी वहां पर गया सच, देखा सचमुच से राजा के घर में बड़े दिनों में एक बेटा जन्म लिया। जब बेटा जन्म लिया वहां पर गया, बोले ठाकुर जी तुम्हारे पास में भेजे सत्संग की महिमा को जानने के लिए, बताओ सत्संग की क्या महिमा। इतना बोलते बच्चा तो वहां वहां कर रोना शुरू कर दिया। नारद सोचा हो गया इसका भी बड़ा भार हो गया, इतने में नारद वहां भगे, अगर राजा का बेटा मर जाए ना फिर क्या होगा, मेरे को सीधा जेल डाल देंगे। वहां भगा, जब भगा इतने में क्या हुआ, वो जो बच्चा जब जन्म लिया था ना, वो बच्चा रोया नहीं। अब देखना जब बच्चा नहीं रोता है ना फिर संसार रोते हैं,
अगर बच्चा नहीं रोता है ना, फिर कौन रोता है? पूरा संसार रोते हैं। क्यों? जो बच्चा रोता नहीं वो गुंगा होता है, वो गुंगा होता है। देखना, बच्चा अगर रोता नहीं, उसको मार मार के, थप्पड़ मार मार कर बच्चे को रुलाते हैं, ये रोए नहीं तो वो नहीं रोएगा तो संसार रोएगा। जब से वो बच्चा जन्म लिया था तब से वो नहीं रोता था, लेकिन जब श्री नारद जी गए और वहां पर पूछा, भैया सत्संग की क्या महिमा, वो बच्चा रोने लग गया। राजा बोले, भैया कौन ऐसे व्यक्ति आया था, अभी तक तो मेरा बच्चा रोता नहीं था। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति आया जिसको देख करके मेरे बेटा का जो मुंह खुल गया। बोले, बोले भाई ढूंढो वो गया कर, कौन आया था? बोले कोई साधु आया था। बोले उसको पकड़ करके लाओ। भागे उसको पीछे पकड़े, बोले बस हो गया मेरा काम, सात बच्चा मर गया, राजा अभी जेल में डाल देंगे। इतने में उसको पकड़ करके लाए, जब लाए इतने में वो बच्चा कहता है, बोले नारद जी वो जो ठाकुर जी आपको सत्संग की महिमा समझाने के लिए बताए ना, पहले मैं गिरगिट था, लेकिन आप संत है ना, हैं? कभी संतों का जब केवल दर्शन करते हैं, उदाहरण दिया, भूखा अखनो सवित रुजथा, जैसे सूरज उदय होने पर अपने आप सारे अंधकार दूर हो जाता है। जब कहीं संत दर्शन होता है, सूरज तो ऊपर का आलोक करता है, संत हृदय को आलोकित करते, हृदय की ज्योति जगा देते हैं संत है, हैं? इसलिए बाबा जब आपको मैंने गिरगिट बना था, जब आपका दर्शन किया, मैं गिरगिट से तोता बन कर आया। फिर ठाकुर तोता रूप पास में भेजा, जब आपका दर्शन किया वो तोता शरीर मेरी छूट गई, फिर मैंने गैया के बछड़ा जन्म लेकर गया, क्योंकि गैया का शरीर में 33 करोड़ देवता की निवास है, उनको विष्टा मुद्रा में लक्ष्मी सरस्वती की निवास है। इसलिए कहते मानव शरीर कब होता है, गैया जन्म के बाद में मानव शरीर मिलता है, क्योंकि गैया जो गो है वो माँ है, 33 करोड़ देवता की अधिष्ठान, उसको बाद में जीव को इंसान जीवन मिलता है। वहां पर मैंने बछड़ा रूप में जन्म लिया, लेकिन जब आपको दर्शन कर दिया, वो बछड़े से राजा का बेटा बनकर आया, राजा का मैं बेटा बनकर के जन्म लिया हूं केवल आपका दर्शन से। इसलिए ठाकुर जी आप बताना सत्संग की महिमा क्या, इसलिए ठाकुर जी आपको 3-4 जगह में भेजे, और लास्ट में सत्संग का केवल दर्शन से, साधु दर्शन से मैंने राजा के घर में बेटा बनकर के आए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की कोई जय। आज क्या व्रत कल तक कल हो गया ना, आज कोई रखा हो व्रत? नहीं ना, तो आवाज क्यों नहीं निकल, लेट खुलाना गुरुदेव आज। ओ ये चक्कर है, 10 बजे को बाद में व्रत खोले ना, फिर से जल्दी यहाँ को भाग गए, अभी खाया नहीं है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हमें आज थोड़ी समय भगवान की कथा, भगवान की भक्तों का दर्शन और भगवान की कीर्तन सुनने को मिला है। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती जीवन में साधु संग कब मिलता है, संतों का दर्शन कब मिलता है? बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप दही या संगत सोई। पार्वती भगवान की जब किसी जीव को ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए, तभी पार्वती जीवन में संतों का दर्शन, तब जीवन में भगवान की कथा सुनने को मिलता है, है? आज समझो ठाकुर जी की हमारे ऊपर में डायरेक्ट कृपा होगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ठाकुर का दो तरह का कृपा है, एक इनडायरेक्ट और एक घुमा फिरा करके, और एक तो सीधा कृपा है, एक घुमा फिरा करके और एक सीधा कृपा है। ठाकुर जी की जब जैसे जीव को ऊपर में सीधा कृपा हो जाए, डायरेक्ट कृपा हो जाए, तब जीवन में साधु दर्शन मिल जाता है। इसलिए भागवत में बताए, भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जन्यस्य तहिर अच्युत सत समागम। भागवत में बताए जीवन में भक्तों का दर्शन कब मिलता है, संतो दर्शन, तभी संतो दर्शन मिलती है, कद ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान जीव को जीवन में सत्संग मिलता है। जीवन में जब साधु संग मिल जाए ना, समझना बड़ा पार हमारी, और संसार में दुख कष्ट भोगना नहीं, ठाकुर जी अपना चरण में अभी स्थान दे देंगे, यही जन्म हमारे अंतिम जीवन है, और हमें और ये 84 लाख जीवन में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। अभी ठाकुर के पास में जाने का
इसी जीवन में हम भगवान के पास में चले जाएंगे। इसलिए पहले तहिर अच्युत सत्संग मगो, तभी जीवन में सत्संग होता है। असत्समागम जहीर, जीवन में जब साधुओं का दर्शन कृपा हो जाती है, बोले परावरे से जाए तो रती है, कितना बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो जीवन में, सत्संग नहीं मिलता है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब ठाकुर के चरण में प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तो ठाकुर नहीं मिलेगा, तब तो ठाकुर जी हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आज हम लोगों के ऊपर में ठाकुर का बहुत कृपा है। लेकिन अभी प्रश्न है, हम संत से तो कुछ लेनी चाहिए ना, कुछ दो और कुछ लो। दे किया बोले सारी गंदी चीज को छोड़ दो, और ले किया बोले भगवान की भक्ति लो। क्या ले? भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम लो। विशेष करके संतों का कहना है, जैसे अगर हमको भगवान, अगर अमेरिका जाओगे, लंदन जाओगे, फ्रांस जाओगे, जर्मनी जाओगे, अगर किसी विदेश में जाओगे ना, तुम्हारे पास में तीन चीज हो तभी विदेश जा सकते हो। पता है क्या क्या तीन चीज होनी चाहिए? हाँ, इसलिए पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद में वीजा होनी चाहिए, और उसके बाद में टिकट पैसा होनी चाहिए, ठीक है ना। जब ये तीन चीज हो, इसी दुनिया में अगर एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश जाना चाहती हो, यहाँ पर भी तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर क्या है? कहते पासपोर्ट हो, ठीक है ना, पासपोर्ट हो। अब लोग तो सब पुराने, आपको पता नहीं पासपोर्ट पासपोर्ट क्या होता है, इसलिए इसलिए कहते क्या नंबर है? पासपोर्ट होनी चाहिए। बोले पासपोर्ट क्या है? कहते पासपोर्ट क्या चीज है? बोले पहला नंबर गले में तुलसी की कंठी हो, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। है कि नहीं? सब गले में, किसको किसको गले में तुलसी कंठी है? हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा रहे। किसको किसको गले में तुलसी कंठी है? और तुम लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? दो दो हाथ उठा लो, सबका हाथ, हाँ करके सबको गले में कंठी है कि नहीं, कि फेंक भाग दिए? तुम्हारे गले में नहीं है तो फालतू कुत्ते अभी तो बने। इसलिए इसलिए गले में देखो, गले में जरूर तुलसी कंठी हो। जैसे ठाकुर जी को जितने जो कुछ भोग लगाओ ना क्यों, जब तक उसको तुलसी पता नहीं देते ना, ठाकुर जी कभी वो स्वीकार नहीं करते। बोले छापन्न भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी। भले ही जितने ठाकुर को सामने रख लो, तुलसी पता नहीं दिया, ठाकुर जी उस ग्रहण नहीं करेंगे। कहते उसी तरह जब तक तो गले में हमारी तुलसी कंठी नहीं होना, तब तक तो ठाकुर ये शरीर को हमें ग्रहण नहीं करते, ठीक है ना। हर समय गले में तुलसी कंठी धारण करना, क्योंकि इसमें लक्ष्मी की, नारायण की सारे मेडिसिन इसके अंदर में। मैं बताता हूँ ना, दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते। और जो पालतू कुत्ते गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के रोड में घूमते हैं, पालतू कोई मारते नहीं और फालतू को छोड़ते नहीं। इसलिए गले में कंठी नहीं मतलब हम फालतू है, हैं? इसलिए हम फालतू नहीं, ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए, ठीक है ना। और देखो भागवत में आता है, देखना मरने का बाद हम लोग 13 दिन बाद में शुद्ध होते हैं। कितना दिन बाद में? अब पता है 13 दिन बाद में क्यों शुद्ध होते हैं? कारण है, मरने के बाद जीव को एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है। लगता है हम लोग गुजर समाज में गरुड़ पुराण नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, उसमें सारी चीज वर्णन आती है। मरने के बाद क्यों 13 दिन बाद में शुद्ध होता है? मरने के बाद कहे जमदूत गला में फांस लगा करके गर्म रेतियों के ऊपर में कैसे घिसड़ते घिसड़ते ले जाते हैं, रास्ता में कुत्ते सियार मांस को नोच उच खाते खाते हैं, फिर उसको बैतरणी नदी किया, उसमें टाटी पेशाब खून पी होता है, उसको पार करने में उसको 13 दिन लग जाती है। इसलिए देखना, कोई कोई कहते हैं ना, ज्यादा कोई दुख कष्ट जो भोग करके मरता होगा, बोले भैया इसका नाम पर गया दान दे दो, क्यों? गोदान सबसे बड़ा दान है, हैं? गोदान देने से उसका सारे पाप नष्ट हो जाती है। बोले इसका नाम पर गया दान दे दो, जल्दी जल्दी ये नदी को वो पार हो जाए, हैं? जल्दी जल्दी उसको 13 दिन कूड़े मार मार कर उसको पार कराते हैं, हैं? इसलिए 13 दिन लगता है इसको पार करने के लिए। इसलिए 13 दिन बाद में हम लोग शुद्धि होते हैं, 13 दिन बाद में शुद्धि। बोले किसको बैतरणी नदी पार करना पड़ता? जिसके गले में तुलसी कंठी नहीं है, जिसके गले में तुलसी कंठी नहीं उसको पार करना ही पड़ेगा बैतरणी नदी। उसको कोई रक्षा, भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे उसको। गले में अगर कंठी नहीं हो तो तिलक नहीं हो,
अगर गले में कंठी हो ना, गले में कंठी हो उसको प्रणाम करेंगे जमदूत। जम स्वयं कहते दूतों को, जिसके गले में कंठी बेटा प्रणाम करना उसको, समझना ठाकुर जी की भक्ति करते। ये फालतू बुत है, फालतू नहीं है, ये ठाकुर जी की फालतू है, इसको दूर से प्रणाम कर लेना, ठीक है ना। कहते इसलिए जरूर कंठी गले में धारण करो, कंठी के बगैर पवित्र नहीं हो सकते, इसलिए कंठी पहला नंबर। दूसरा नंबर है कहते भीजा, बोले भीजा किया, बोले तिलक। भीजा क्या है? तिलक, जरूर तिलक लगा है। देखना जैसे आप लोग सधवा स्त्री है, सधवा स्त्री है ना, आप लोग मांग भरते हो, सिंदूर लगाते हैं, लगाते कि नहीं, लगाते कि नहीं, सिंदूर मांग लगाते हो, मंगलसूत्र पहनते हो। इसलिए कहते उसी तरह जब जगत का पति के लिए हम लोग ने इतने मांग भर लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं और मंगलसूत्र नाक में बेसर शंखा पहनते, किसके लिए? जगत का पति के लिए। लेकिन ये पति तुम्हारी कब बने? शादी से पहले कोई मतलब था? बीच में अगर लड़ाई वगैरह डाइवोर्स हो गया, गया, अब मरने का बात तो पूरा ही पूरा गया। जब दो दिन पति के लिए हम इतने श्रृंगार भरते हैं तो असली जो पति है, जो परम पति है, पति का जो पति, उनके लिए कुछ करनी चाहिए कि नहीं है? उसके लिए क्या करनी चाहिए? तिलक करना। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जूसो जो चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, दुल्हनी बना दो। जिस गले में कंठी तिलक है ना, और कृष्ण की दुल्हनी, कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते, तुम मेरे हो। हाँ, कभी ये असली ये दुल्हन की, इसलिए तिलक सबके सब तिलक लगाना, ठीक है ना। कहती है गोपियों की चरण धुलि है तिलक, साधारण वस्तु नहीं। नारद जी उसको वृंदावन से द्वारका लेकर गए, वहीं पर भगवान स्नान करवाए, वहीं से ये ब्रजरज, वहीं से ये ब्रजरज आसी। हर जगह में ये ब्रजरज नहीं मिलती है, इसलिए कृष्ण को देखो, राम को देखो, नारायण को देखो, तिलक लगाए। हनुमान जी को देखो, तिलक है कि नहीं? हाँ, ठाकुर भी तिलक। तुम्हारी हमारी बात छोड़ दो, अब हनुमान जी को देखो, कृष्ण को देखो, बांके बिहारी को देखो, कहीं राम है, राम को देखो, कृष्ण को देखो, तिलक लगा है। इसलिए आप लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई अच्छे काम बिजनेस के लिए जाते हैं, तिलक लगा कर भेजते हैं। बोले क्यों? तुम्हारे काम बन जाए, तुम्हारी बिजनेस बन जाए, तुम्हारी काम शुभ हो, विजय लक्षण तिलक। इसलिए शास्त्र में पुराण में बताया, जिसकी शरीर में तिलक है उसके शरीर में गंगा, जमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, राधा, सीता, गीता उसको शरीर में रहते। जिसको शरीर में तिलक, सारे देवा देवियों का निवास उसे शरीर में हो जाता है, ठीक है ना। सबके सो क्या करना है? तिलक लगाना, ठीक है ना। गोपियों के चरणों धूल लगाना। क्या तुम लोग कोई ऑफिस में काम करने के लिए जाते हो? कोई नहीं ना, घर 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 रूपी ऑफिस में काम करते ना। पर शर्म किस चीज की है? शर्म नहीं लगनी चाहिए। देखो ये गोपिया से लगा है ना, तिलक लगा, इसलिए कोई शर्म नहीं लगे करनी चाहिए। शर्म तो गंदी चीज के, करो अच्छे चीज के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। पहला नंबर क्या हो गया? कंठी। दूसरा नंबर, और जो तीसरा नंबर टिकट होनी चाहिए, टिकट है। ये भीजा हो गया और पासपोर्ट हो गया, भीजा हो गया, तीसरा नंबर क्या है? टिकट। टिकट मतलब होता है पैसा है, टिकट मतलब होता है पैसा। इसलिए भैया इस जगत में तो पैसा लेकर के एक दूसरे देश में जाओ, चले जाओगे, लेकिन वहां जब जाने के लिए वहां पर कौन सा टिकट का काम करेगा? बोले कलि युग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे परा। वहां जाने के लिए केवल एक चीज की टिकट जरूरत है, ठाकुर जी की नाम की टिकट है, ठाकुर जी की। इसलिए देखना हमारे भारत में जब किसी व्यक्ति की शरीर छूट जाती है, जब शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम सत्य। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले तुमने भगवान के नाम जितने किए वही धन तुम्हारे साथ में जा रहे हैं, और दुनिया के जितने पैसा कमाते कमाते रहे सब यही रह गया, यही तुम्हारे रह गया है, यहाँ कोई पैसा नहीं जा रही है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है। बोले वस्तु अमोल को दी मोरे सतगुरु अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान का नाम धन ही हमारी एक पाते है, यही धन हमारे साथ में जाएगा। इसलिए भागवत में भगवान का नाम को क्या बताया? देखो हमारे से रूप गोस्वामी हुए हैं,
रूप गोस्वामी का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो, हाथ उठाओ। रूप गोस्वामी का नाम कौन कौन जानते हो? आप लोग नहीं जानते हो रूप गोस्वामी, तुम नहीं जानते हो रूप गोस्वामी का नाम। ये महापुरु का भक्त है, ये श्री महापुरु का। ध्यान देकर सुनो, वो कितने बड़ी बात कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी के नाम जप करना शुरू करते हैं, हैं? ठाकुर जी के नाम जप करना शुरू करो कि तो उसको साथ साथ में उसका तीन काम होना शुरू हो जाता है। कितना काम? जोर से बोलो, तीन। तीन बोले। ध्यान देकर सुनो, मैं पूछूंगा वो तीन काम क्या है। पहला नंबर है जब महाराज चित्रगुप्त, बोले चित्रगुप्त कौन है? बोले हमारे जीवन का जितने पाप पुण्य को जो कॉपी में लिखता है, सारे पाप पुण्य को जो लिखता है उसका नाम चित्रगुप्त। बोले उसका नाम चित्रगुप्त नाम क्यों पड़ा? उसका नाम क्या है बोलो? चित्रगुप्त। चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब होता है छुपा करके। अगर हम 10 तला बिल्डिंग के ऊपर चारों तरफ में दरवाजा बंद करके हम क्या कर रहे हैं, वो सारे फटो उठा रहे हैं। हम सोच रहे शायद कोई नहीं दिख रहे, शायद कोई नहीं दिख रहा है। बोले सब कुछ दिख रहे। बोले कौन? बोले दिन में जो सूर्य का किरण सब जगह, ये सूर्य उसका साखी, सूर्य का किरण सब जगह में। रात में चंद्रमा का, रात सब जगह में। ऐसे कोई स्थान नहीं जहां रात अंधकार नहीं, वो अंधकार भी एक साखी है। ये जो 10 दिशा है ना, ये 10 दिशा उसकी साखी है। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें रिकॉर्डिंग सबके सब रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, जीवन का कर्म और मरते समय वो रेखड़ी के समय सब निकलता है। हमने कितने पाप और कितने पुण्य किया है, और पाप पुण्य के अनुरूप देखना घर में जन्म होता है। अब देखना किसने किसने तो बहुत धनी घर में जन्म हो गए, रिलायंस कंपनी, टाटा, बिरला, अंबानी घर में जन्म। क्यों? उस घर में बेटा रूप में जन्म होते ही उसका सारे प्रॉपर्टी का मालिक वही बन गया। एक व्यक्ति का देखना रिक्शा वाला घर में, मजदूर के घर में जन्म लेता है, सारा दिन काम करते करते अपना रोटी की भी जुगाड़ नहीं करता। क्यों? ऐसे क्यों? वो अंबानी घर में जन्म क्यों हुआ, ये के रोड रिक्शा वाला घर में क्यों जन्म हुआ? कर्म के फल के अनुरूप। अब देखना जैसे जैसे से एक पिताजी, 3 बच्चे नहीं तो 4 ही बच्चे, देखना 4 ही बच्चे स्वभाव अलग है। ऐसे एक बच्चा जो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करता है, बढ़िया कमाई करता है, एक देखना इतने बेकूफ है, एकदम दिमाग है ही नहीं। किसका बेटा देखना इतने आज्ञा पालन करता है, इतने आज्ञा पालन करता है, हैं? जैसे जैसे श्रवण कुमार जैसे। लेकिन किसका बेटा देखना एकदम बात नहीं सुनता है। इसलिए कोई कोई कहते ना भैया पूर्व जन्म का कोई शत्रु मेरे बेटा रूप में जन्म ले लिया, उसका प्रतिशोध लेने के लिए बेटा घर। क्यों? ऐसे क्यों हुआ? किसको घर में? ये जितने सब चीज है ना, ये हमारे पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने कर्म की, हमें ऐसे ही बेटा मिले, ऐसे ही बेटी मिले, ऐसे ही पति मिले, ऐसे ही पुत्र मिले, ऐसे ही पत्नी मिली, ऐसे ही घर मिली, ऐसे दुकान मकान कैसे मिला? पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किया, कर्म के अनुरूप ऐसे ही ठाकुर जी हमें जन्म देते हैं। इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त होता है, हैं? जो गुप्त रूप में सारे हमारे फटों को ले लेता है, लेकिन जब लास्ट में जब मरते हैं फिर सारे कापी खोलता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति हरिनाम करता है, ध्यान देकर सुनो, हरिनाम करने का कितना महिमा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम लेता है, जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते, बोले इधर आओ, बोले क्या है? बोले ये हरि भगवान का नाम ले रहा है, उसका नाम को काट दो, उसका नाम काट दो। मतलब क्या? बोले कभी और जमपुरी नहीं आएगा। क्यों? ये ठाकुर जी का नाम को जप कर रहा है, ये पहला काम हो जाता है। बोले दूसरा काम क्या होता है? एक तो जमपुर से नाम, रजिस्टर से नाम कट गया। बोले दूसरा नाम, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी से कहती है, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले उसका नाम भी यहाँ लिख दो, उसका नाम भी यहाँ लिख दो। बोले क्यों? बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना, ये गोलोक वृंदावन वैकुंठ में आएगा, वो व्यक्ति गोलोक वैकुंठ में आएगा। कितना काम हो गया? दो। कितना काम हो गया? क्या क्या हुआ बताओ, कौन बोलेगा, किसको याद है? बोलो कौन बोलेगा? हे भगवान इतने जल्दी बोले, चित्रगुप्त नाम काटेगा। बोलो क्या हुआ? हाँ बोलो, कौन बोले? हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठा रहे। बोलो कौन बोलेगा? हे बच्चा बोलो तो, क्या बोलो? क्या दो काम क्या हुआ? एक तो यमपुरी में नाम काट देते, हाँ, और दूसरे इसलिए याद रखो ना, जैसे यहाँ से कथा सुनकर जाओगे, कम से कम अपना बच्चे को सुनाओ, बहू को भी सुनाओ, बेटी को भी सुनाओ, बेटा
भगवान का नाम जप करो, भगवान के नाम से शांति सुख मिलती है, घर में शांति। ऐसे नहीं कथा सुने यहीं पर छोड़कर चले गए, इसको झोली में भर करके ले जा, ठीक है ना, और लेकर के अपना बेटे बहू को बोलो बेटा एक माला हरि नाम जप कर, बहू को बोलना बेटी भगवान को तेरा नाम जप कर, है घर में शांति सुख होता है, भगवान का नाम से जीव में मंगल होता है, ठीक है ना। केवल यही छोड़कर नहीं जाना, जाकर बहू और बच्चों को सबको कथा सुनानी, हमने ये कथा सुन कर कहा, सुनाओगे कि नहीं, कौन कौन सुनाएगा, सब सुनाओगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या याद है। दो काम हो गया, पहला काम क्या हो गया, जयपुरी में बोलो, तुम बोलो, अरे बोलो, हाँ पहला काम क्या हुआ बोलो, क्या सारा दुनिया की बात तो भूख भरते हो, दोस्तों के साथ मिलो ना सारा दुनिया की बात बोलेंगे, भगवान के नाम याद नहीं रहता, क्या पहला बताओ क्या होता है, हाँ चित्रगुप्त को बोलते नाम काट दो, दूसरा काम क्या होता है, राधा रानी अपना सखियों को बोलते रजिस्ट्रेशन में नाम इसको लिख दो, क्यों वो ठाकुर जी का नाम जप करता है। बोले तीसरा चीज क्या होता है, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सुंदर आरती की थाला सजाते हैं। बोले क्यों, बोले जब वो गोलोक वैकुंठ जाएगा, ब्रह्मलोक होते हुए जाएगा, भूर भूगम मोह जन तप सत्यलोक पार करते हुए जाएगा, जब जाएगा उसका हम आरती उतारेंगे, उसका हम आरती उतारेंगे, कितने पुण्यात्मा है जो ठाकुर जी का नाम जप करते हैं। देखो कहते श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, लेकिन भगवान खुद क्या कहते हैं, ठाकुर जी क्या कहते हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं जो ठाकुर जी के नाम जप करता है, ये समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आया, कितना काम करके आया, अभी मैं बताऊंगा फिर आपसे सुनूंगा, देखूंगा कुछ को याद है, ठीक है, हाँ। इसलिए भगवान कहते हैं, बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, है इसलिए ठाकुर जी कहते अहो, अहो मतलब जैसे कोई आश्चर्य चीज हम देखते हैं ना, अरे क्या आश्चर्य, हमने क्या देखा, क्या आश्चर्य चीज है, भगवान खुद कहते हैं अपना माँ को कह रहे, बोले माँ जिसकी जीवा की अग्र में, पूरा जीवा में नहीं, केवल जिसकी जीवा की अग्र दिशा में जो ठाकुर का नाम जप करता है, क्या समझो, बोले पूर्व जन्म में जितने यज्ञ हैं, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हैं, कोई अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करे ना, सीधा स्वर्ग में इंद्र बन जाता है, इंद्र बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं माँ जो भगवान के नाम जप करता है, समझना पूर्व जन्म में उसने जितने यज्ञ हैं सारे यज्ञ उतर गया है। बोले दूसरा काम क्या किया, बोले पृथ्वी में जितने तीर्थ है, पृथ्वी में जितने तीर्थ है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती अयोध्या है, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनात्री और क्या गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये जितने सारे तीर्थ है, जितने तीर्थ में वो पूर्व जन्म में सारे तीर्थ, एक तो सारे यज्ञ और एक सारे तीर्थ, सारे तीर्थ यज्ञ कर चुका, सारे तीर्थ घूम चुका। बोले तीसरा काम क्या कर किया, बोले तीसरा काम है जितने तरह का दान है, है? जितने तरह का दान कर चुका है, है? बोले कितना तरह का दान, कितना होता है, कोई स्कूल खोल दिया, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई हॉस्पिटल खोल दिया, है कोई अरण्य छत्र कोई खोल देते हैं, बड़े बड़े ये करते हैं ना, बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं। बोले पूर्व जन्म में समझो उसने सारे दान, जितने सारे दान करके आया है, कितने हॉस्पिटल खोल करके, कितने स्कूल खोल दिया, कितने अरण्य छत्र खोल दिया, कितने हॉस्पिटल, पूर्व जन्म में जितने तरह का दान दक्षिणा है ना, पूर्व जन्म में उसने कर चुका है। बोले तीसरा नंबर क्या है, बोले जितने तरह का तपस्या है, जो बड़े बड़े तपस्या करते हैं, बैठे बैठे हजार हजार साल जो तपस्या करते हैं, समझो पूर्व जन्म में उसने सारी तपस्या करके आए, सारी, तब भी इसी जीवन में, बोले पूरा जीवा में नहीं, बोले जीवा की अग्र देश में जो केवल ठाकुर का नाम जप करते हैं, और जिसका पूरा जीवा भगवान का नाम लेता है, एक बार पूरा जीवा में बोलो तो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा।